लाइव कैसे आप चले हो साथियों, लेके आज हम खेले द बेबी इन येलो। इस गेम की नाम की तरह ये गेम आसान नहीं वाला, क्योंकि ये गेम बहुत खतरनाक है। हम एक छोटे बच्चों को केयर करना है जो बहुत भूतिया है। हमें उसको पता नहीं कैसे क्या करना है, हम कुछ भी करेंगे तो पता नहीं बच्चे कहाँ से कहाँ गायब हो जाता। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते चले गेम प्ले में, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, हम गेम में आ चुके हैं। मेरे सामने बैठा छोटा सा प्यारा सा बेबी, और ये बेबी कितना ज़्यादा क्यूट है। मैं से मन कर रहा है इसको मैं उठा के, भाई रियल लाइफ में एक होता तो कि मैं इसे खुद खिलाता, मगर मैं इसे खिला नहीं सकता। ओके, मेरे को इसको फ्रेश बॉटल ला के देने में पहले किचन में जाने पड़ेगा, तो इसको मैं जल्दी से किचन से ला के मैं पहले मैं दूध की बॉटल मेरे को देना है, बच्चे को पिलाना है। ओके, ले बच्चे पी ले। ओके, बच्चा दूध पी कर काफ़ी खुश हो गया। अब मेरे को इसको क्या करना है, टेक अ बेबी चेंजिंग अ टेबल। मेरे को इसको शायद से मेरे को इसका पैम्पर चेंज करना। ओके, इसे मेरे को पैम्पर तो बाथरूम में मिलने वाला है, ठीक है मैं इसको बाथरूम से ले आकर पहना देता हूँ। ओके, अरे मैं क्या कर, ये उठ क्यों नहीं रहा। मेरे ख्याल से मेरे को बेबी को लेके आना पड़ेगा, ये अपने आप तक हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको जल्दी से उठा कर लेके चलता हूँ। चल बच्चे, बच्चा देखो कितना ही खुशी है, चल आ जा। ये चेंज क्यों नहीं हो रही। ओके, मेरे ख्याल से टेबल चेंज करने में कोई इधर ले जाकर पहले बैठाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसे मैं अब इसको उठाता हूँ, चाहे उठ जाए। चलो उठ गए, अब इसको मैं, अबे बच्चा मेरे सामने था, यहाँ से गायब कैसे हो गया। एक मिनट, ये बच्चा मेरे सामने बैठा है और मैंने इसको बाथरूम में रख के आते, ये यहाँ कैसे आया, कि मेरे को समझ नहीं कैसे आया। मेरे को इसको अब ले जाकर सुलाना है। ओके, यहाँ कहाँ सुलाऊँ मैं इसको। टेक अ बेबी टू बेड, मेरे को लगाया है ऊपर है, इसको मेरे को पहले जाकर सुनाना पड़ेगा शायद से ये रूम में क्या। अबे बच्चा कैसे गिर गया भाई, बच्चे गिर गए रोया नहीं। ये कौन सा रूम है भाई, इसमें तो नहीं होने वाला, इससे मैं बाहर निकलना पड़ेगा। ये बगल वाला रूम, ठीक है ये रूम है। मेरे को इसको क्या करना है, ठीक है ओके, मेरे को बेड रूम में रखना है इसको। चल चल बच्चे ले जा। फाइंड द स्टोरी बुक सीट डाउन, मेरे को स्टोरी बुक ढूंढनी है यहाँ, ये रहा स्टोरी बुक। अब मेरे को चेयर में बैठ के इसको पूरे बुक सुनानी है स्टोरी, ताकि बच्चा सो जाए, ठीक है। Across the shore, in distant lands, with dark stars overhead, the prince was fast asleep until a cat jumped on his bed. स्टोरी बुक सुनने के बाद बच्चा काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा है। ओके, बच्चा सो गया तो मेरे को अब लेके जाना पड़ेगा ये क्लोज डोर। मेरे को दरवाज़ा बंद करके मैं चलता हूँ दोबारा वॉच द टीवी सोफा, मेरे को टीवी देखना है, ठीक है। सोफे में बैठ कर आराम से टीवी देखेंगे, मेरे को चलो टीवी को जल्दी ऑन कर देता हूँ। चलो आज चालू हो जाए। टीवी देखते देखते मेरी आँख लग चुकी है, मगर बेबी दोबारा सो चुका है। हमें दोबारा बच्चे के पास जाना है, ठीक है। बच्चा ऊपर रो रहा है, ये ठीक है ठीक है। बाप बेबी, मैंने इसको यहाँ सुलाया, मेरे को एक मिनट, नीचे से आवाज़ आ रही है, मेरे को नीचे चल के देखना चाहिए। अबे ये तू ये बता, तू मैं तेरे को ऊपर सुला के आ रहा, तू नीचे कैसे आ जा रहा है। अबे तू कितना तेज भागता है, तू इतना ही तेज है तो तू खुद जाके क्यों नहीं कर लेता। सो जा, भिलना नहीं यहाँ से। अब क्यों रो रहा, करेक्ट प्लूसी प्लूसी, मेरे को शायद से कोई कैट का नाम प्लूसी है, हाँ यही है। चलो आ जा, इसको मैं जल्दी इसके पास रख देता हूँ। चल बच्चा खुश हो गया, चल इसको सोने, अभी अपना इसके साथ आराम से खेलता रहेगा। मेरे को दोबारा से जाकर टीवी देखना है, तब तक बेबी जब दोबारा से उठेगा फिर हमें पता चलेगा हमें क्या करना है। ओके, मेरा आज दोबारा से दूसरा दिन स्टार्ट हो गया। मेरे को गेट द पोर्टल ऑफ द फ्रिज, मेरे को फ्रिज से बॉटल निकालनी थी, तो अब ये फ्रिज कैसे बंद हो जा रही है, और मेरे सामने से यहाँ बॉटल गायब हो गई। मेरे साथ क्या हो रहा है मेरे कुछ नहीं पता चल रहा। ओके, मेरे को इसमें यहाँ इसमें भी होगा, ये भी इसमें भी नहीं है, मैं इसमें ऊपर वाले में इस सब दौड़ खाली, कहा कि किस ये बॉटल चली कहाँ गई इसमें। भाई ये बॉटल गायब कैसे हो जा रही है, मेरे को लेके चलना पड़ेगा, फिर बच्चे को दूध पिलाना पड़ेगा। ओके, बच्चे दूध पी ले। भाई तेरे घर में सब उल्टा उल्टा हो रहा है, मैं उसको दोबारा ले जाके मेरे को पैम्पर चेंज करना पड़ेगा। मुझे इसे बैठाना है पहले टेबल पे, उसको पैर टेबल। अब मेरी ये पैम्पर, उसको जल्दी पहना देता हूँ।
अबे ये पैंपर भाग कैसे रही? पैंपर अपनी आप आँख निकाले, पैंपर क्या, पैंपर अपने आप कैसे, भाई ये कैसे हो सकता है? और ये पूरा किचन में जाके क्या कर रहा, पूरी तबाही मचा रहे, ए तू कहाँ जा रहा? अबे भाई क्या मेरे साथ चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं, इस घर में कुछ हॉरर सी होने वाला है। और ये गई कहाँ? अबे ये कहाँ गई? मेरे को लग रहा है नीचे चली गई है। अबे ये तो नीचे कहीं नहीं है, एक बार ऊपर चल के मेरे को देखना पड़ेगा। ओ अबे ये रही, भेड़ गई ना और भाग ले। चल इसको दोबारा से ले जा पेविक पहनाता हूँ। कहाँ बच्चे, पहन ले। भाई इसकी आँख लाल है। मेरे ख्याल से बच्चा बहुत हॉरर हो रहा है भाई घर में, इसकी घर में बहुत हॉरर है, इस घर में भूत है। मेरे को लग रहा है इस बच्चे के अंदर एक आत्मा है भाई। और इसके माँ बाप हमें अब समझ में आया इसको क्यों देख, बच्चे संभालने के लिए देख गए हैं, और इस बच्चे को मेरे को संभालना है। फाइन द स्टोरी, मेरे को स्टोरी बुक मेरी यहाँ पास रखी है, ठीक है, मेरे को इसको बैठना पड़ेगा, मैं कुछ को रीड कर देता हूँ। मैं इसमें जल्दी जल्दी क्या हटाता हूँ। चल अब ये, अब इसकी आँख क्या भाई, ये भूतिया बच्चे को संभालने में बहुत मुश्किल है, मैं इसको नहीं संभाल सकता। इस बिल्ली उठा के मैं इसको जल्दी ले, खुश हो जा। मेरे को दोबारा से बुक कंटिन्यू करनी पड़ेगी रीडिंग के लिए, मैं इस बुक को जल्दी से उठा लेता हूँ। बच्चा खुश हो भाई, बच्चा तो बहुत प्यारा है, मगर ये मेरे को बहुत ज़्यादा हॉरर लग रहा है बच्चे। मेरे साथ पता नहीं कैसे क्या हो रहा है इस घर में, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। पैंपर तक अपने अकेले अलग भाग रहे हैं, पैंपर की आँख आ जा रही, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मेरे कुछ नहीं समझ में आ रहा। बेल कोई बजाए, लगता है कोई है, अरे मेरी आँखें चीन है, ये है। ओके मेरे को शायद से मेरे करेक्टर को, जो इस गेम का करेक्टर, उसको भूख लगी थी, इसने मंगाया था सैंडविच की मशीन। तो मेरे को क्या करना है, पुट द बॉक्स ऑन द लॉन्ग टेबल, मेरे को इसको डाइनिंग टेबल उठा कर रखना है। ये अपने आप ओपन हो जाएगा, ठीक है, आप ये ओपन नहीं हो गया। फाइंड द स्पेस वॉच द टीवी, ओके मेरे को दोबारा टीवी देखने चलना है। हमारे पास और कोई काम नहीं बचा, हमें दोबारा से टीवी देखना है, दोबारा से सोना है, हमारे पास इतना काम है, बच्चे को संभालना है। द एग्जिट, अच्छा मैं इस बच्चे से मैं एग्जिट कर चुका हूँ। ये बच्चा जैसे दिन का दिन, मेरे को बच्चा शुरू में तो मेरे को एकदम प्यारा दिख रहा है, जैसे जैसे मैं लेवल पार करता जा रहा था, ये बच्चा दिन के दिन तब खतरनाक हो जा रहा है। और ये बेबी अलग रूप ले चुका था भाई, इसका पार्ट तो मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा डेंजरस होने वाला है, डेंजरस। तो हाँ वीडियो पसंद आ रही थी भाई, तुम लोग वीडियो जल्दी से लाइक कर दो और कमेंट कर बताओ वीडियो कैसी लगी, और चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।